और जय बाबा प्रधान। जय हो। ये पंडित जी ने प्रसाद चढ़ा दिया। पंडित जी से मैं थोड़ी सी जानकारी लूंगा। पंडित जी पहले नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी अज जिस जगह अस आए दे हां इस जगह दे बारे च थोड़ा रस नु दसी दियो। देखो जी ये मंदिर है जगह बाबा प्रधार दा मंदिर है। बाबा प्रधार दा। बाबा प्रधार और जे सेंटर में बाबा प्रधार की मूर्ति है। बाबा प्रधार जी। साइड में माता बैरी है। माता बैरी। जे जे तीसरे नंबर है ये मेल होंगी है। बड़ी चंगी तरह मेल होंगी है। अच्छे लोग आते बाहर के भी जिथे भी बंदराल राजपूत जिथे भी जम्मू से जिथे भी कुछ भी ऑल ओवर इंडिया हिंदुस्तान जगह बंदराल बरादरी कुते भी है तो वह इतने आते हैं। अच्छा पंडित जी एक चीज दस ये नाग देवता नाग देवते देखिए प्राचीन मूर्ति है। प्राचीन किन्नी देर पुरानी मूर्ति है। पहाड़ी उपरा थे चुकी रखनी जिस बेल कच्चा मंत्रा। पंडित जी ने इस मूर्ति के बारे में मुझे ये जानकारी दी है कि ये सदियों पुरानी मूर्ति है और ये इनको जंगल में मिली थी जो इनके भी बुजुर्ग हैं इनके बुजुर्ग के बुजुर्ग जो हैं उनको मिली थी। स्थान वही था। स्थान वही है मगर मूर्ति इतने का मूर्ति मिली इस जगह पर यही स्थान है मगर इस स्थान में बनने में थोड़ी देरी हो गई। अब ये स्थान कम से कम भी कितनी देर हुई ऐसी मंदिर की बने दे हूँ पहली मेल हुई मतलब बरादरी की जी 2017 च हुई पहली 2017 में मगर मंदिर तो पहले का बने था। मंदिर पहले 2017 च दी स्थापना हुई ही यानी कि जल्द नवी जगह अस जन्ने कुते भी जन्ने उस जगह की स्थापना करने हैं। और वैसे मंदिर किन्नी देर हुई है बने दे मंदिर बनया कोई 12 बने 2012 मेरे अंदाजे करना इसी 12 या 14 साल हुई है। पहला पुरानी जगह का होती है। पंडित जी का ये कहना है कि जगह यही है सब कुछ यही है मगर थोड़ी रेनोवेशन और थोड़ी देरी लगी और 2010-12 में इस मंदिर को यहाँ पे तैयार किया गया और 2017 में जब ये मंदिर पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद यहाँ पे मेल लगना शुरू हो गई। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि जो बंदराल बरादरी के लोग कहीं बाहर होंगे यहाँ ना पहुँच पाए होंगे इस दिन और उनको मैं यहाँ पे मेरे वीडियो द्वारा वो इसमें अपना दर्शन कर लें। तो अगर आपको अगली दफ़ा टाइम मिले तो ज़रूर आइए। और पंडित जी अब बाहर निकलते हुए तो बाकी दोस्तों जब भी आपको टाइम मिले वैसे भी आप साल में कभी भी आ सकते हो। ये मंदिर खुला होता है। ये मंदिर रामनगर से ठीक 12 किलोमीटर कुलवंता रोड पे है। रामनगर से 10 किलोमीटर के बाद एग्जैक्ट 10 किलोमीटर के बाद आपको एक लेफ्ट टर्न मिलेगा वो एक कच्चा रास्ता है 2.5 किलोमीटर का उसको कवर करके आप मंदिर में आ सकते हैं। और इस मंदिर के बिल्कुल सामने ये अभी जो नया ये मंदिर नया बना जगह ये भी पुरानी है नहीं है पुरानी जगह है मगर यहाँ पे पहले इस टाइप का शेड नहीं हुआ करता था। अब ये भी इसके पीछे बैक साइड में खजूरिया बरादरी का मंदिर है जो खजूरियों की मेल होती है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से एक ये शानदार नज़ारा। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको आगे।
माथा टेकने के बाद अब इस मंदिर से हम निकल रहे हैं। ये सामने एक व्यू पॉइंट है, ये सामने प्रधान जी का मंदिर है और ये चंडी माँ का मंदिर है और यहाँ पे एक ये छोटा सा कुंड है। और ये जो मंदिर की बात कर रहा था, ये खजूरिया बलादरी का मंदिर है। यहाँ पे खजूरियों की मेल लगती है और यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी है, सराय भी है। और आज इस मेल के लिए यहाँ पे ये लंगर की यहाँ पे व्यवस्था की हुई थी और छोटे से छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और बड़ी अच्छी ग्राउंड है यहाँ पे। अगर आप आए तो आपकी गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास तक आ सकती है। और दोस्तों, जैसे ये सामने रिजिस बता रहा हूँ, इन्हीं रिजिस में सबसे मेरे राइट हैंड पे पिंगला माता, उसके बाद चौंतरा माता और उसके बाद ये सामने ऊपर आरसी पीक जिसके बारे में मैं बता रहा था, इसका रास्ता भी यहीं से आगे कुलवंता और कुलवंता से 10 किलोमीटर आरसी पीक। यहाँ पे एक पटाटो फार्म है और बड़ी अच्छी जगह है और आप यहाँ पे आए, इस जगह का आनंद लीजिए। और सामने जो ये पेड़ के, इस पेड़ के नीचे ये गैप दिख रहा है, ये कुलवंता है। और सामने जो रिज दिख रही है, ये उसके साथ वाली ये वाली रिज, ये गंदोलू टॉप की तरफ जाते हुए, और ये रिज सामने जो डुडू बसंतगढ़, इसके पीछे, और इस तरफ हमारा उधमपुर और इस तरफ हमारा मराड़ा माता का मंदिर भी आता है। तो अगर टाइम मिला तो आपको उनके भी दर्शन करवाऊंगा। शायद वो जो पिलर्स के साथ आपको पहाड़ी दिख रही होगी, वो मराड़ा माता की लोकेशन है। तो दोस्तों, ये दरमियान जिस जगह आज बंदराल बरादरी की मेल थी, ये मई महीने में, पंडित जी ने बताया कि मई के पहले इतवार, चाहे वो पहली तारीख आए, दो तारीख आए, तीन तारीख आए, चार तारीख आए, पाँच तारीख आए, छः तारीख आए, सात तारीख आए, जब भी आए पहले सात दिन में, उसी दिन यहाँ पे साल में एक दफ़ा ये मेल लगती है। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा, बंदराल बरादरी और बाकी बरादरी के भी आए, यहाँ पर दर्शन करें, भगवान जी का आशीर्वाद लें। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं, साल भर 364 दिन हम अपने पास रखते हैं, एक दिन हमें भगवान के लिए भी रखना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, और ये सामने मंदिर, और यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लंगर की व्यवस्था, ये स्थान है। और ये लोकेशन दरमियान है, जो रामनगर में है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे ये छोटे मोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं कि जो लोग आए और यहाँ से कुछ खरीद फरोख्त भी करें। अभी सुबह से ये फंक्शन चल रहा था और अब इसकी समाप्ति है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अपना अपने घर की तरफ रुख करते हुए, और कुछ लोग अभी भी लंगर का टेस्ट करते हुए, लंगर लेते हुए प्रसाद। तो ये थी आज की दरमियान में बंदराल बरादरी की मेल की वीडियो। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको जल्दी।